उनकी भाई ठंडी आ चुकी है, देख रहे हम लोग के जैकेट को एक्सपेक्ट आ गए। इन्विटेशन का क्या सिस्टम है, कब तक आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? गुड मॉर्निंग गाइस, आज अपनी क्लासेस हुए 8:30 बजे की, क्योंकि वो तो नाश्ते के लिए एप्पल ले लिया था मैंने। चलते हैं एकदम कट टू कट चल रहे हैं। चलो चलो देखो भाई, यहाँ पे अपना चेहरा स्कैन होता है, नाम आ गया। काफ़ी अच्छा सिस्टम है सिक्योरिटी से रिलेटेड, कोई और मतलब बंदा घुस नहीं सकता। वेरी गुड। अंदर श्रुति ना एक माइक पकड़ के कैमरा पकड़ के अंदर जो लोग बैठे थे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, व्लॉग बना रही थी। ए तो मेरे कंपटीशन में उतर रही है। नहीं 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 सुन, पता ना अबे तू तो निकल के बोली थी मैं ना निखिल की मदद कर रही हूं। ऐसा भी हो रही है क्या? मेरे को क्या पता तेरा सपना था। उसके सपने में सिर्फ गाड़ी और तू आई थी, और तूने गाड़ी में उल्टी कर दी। और एक चीज़ तू अपने मन पार्टी देने वाला था ये निखिल, और फिर ये चला गया मुझको, मैं आता हूँ कुछ करके, फिर मैं बाहर खड़े हो गए, पैसा कंट्री कर रहे थे। और पार्टी थी किस बात की? मुझे नहीं पता, तू देना। प्लीज एलोबरेट, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? कैन यू प्लीज एलोबरेट, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? कुछ कुछ हुआ? यस ब्रो, व्हाट हैपेंड? यू आर फ्री? छुट्टी 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 हो गई, छुट्टी हो गई। ओए ए मारना नहीं मुशाई, अपना लीडर कैसा हो मुशाई, मारना नहीं। अरे चल ना, अरे रूम पे क्या मतलब क्लास में क्या, चल 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 चल, गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल। किसको पंच करो? हेलो गाइस, राम राम भाई ही सारी यानी वेरी गुड ब्रो, ये मेरा क्लासमेट है। यू कैन टेल वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इजिप्ट गाइस। ही इज फ्रॉम इजिप्ट। आई एम वर्किंग इन साइंटिफिक सर्कल इन आवर यूनिवर्सिटी, सो दे डिडंट पे मी मनी ब्रो, आई गाइस टेल नाउ ही इज जोकिंग। Three medical researchers, they didn't give me any money till now. Okay, bro. Bye. No, bro. Bye. अभी हो गया हम लोग का ब्रेक, मतलब 2 घंटे की क्लास थी उसमें अभी थोड़ा सा ब्रेक दे दिया, तो अभी हम आए ये प्यात्रुच का। अपनी वीडियोस में मैंने बहुत बार दिखाया है यहाँ के बारे में, तो यहाँ पे मिलता है भाई मस्त गार्लिक ब्रेड। वो देखो अरुण अब लेके ही खड़ा हुआ है। क्या भाई गर्म है कि नहीं है? गर्म है कि नहीं है? वही तो देखना है ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू एंड ओनली बट। भाई अभी जिस हिसाब की क्लास जा रही है ना, कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा नीड है, तो हम आ गए फिर से अपनी कॉफ़ी लेने के लिए यहाँ पे। इंडिया की और यहाँ की कॉफ़ी में बहुत अंतर है यार, ये मशीन वाली कॉफ़ी अपन को मज़े नहीं आते, जो या एस्प्रेसो और वो मिलती कैपेचिनो, मतलब उसमें मज़ा नहीं है। अपने यहाँ जो मशीन में बनती है ना गरम गरम वो वाली, जो शादियों में कॉफ़ी मिलती है वो कॉफ़ी की, पर वो यहाँ मिलती नहीं है, क्या करें, जो है अब चलाना पड़ेगा। One eternity later. तो गाइस हम लोग की क्लास की छुट्टी हो गई, नॉर्मली अभी 1-2 घंटा और लगती, पर जो हमारी डॉक्टर थी उन्हें कोई इमरजेंसी केस के लिए जाना पड़ा, तो हमारा फ़ायदा हो गया, क्योंकि भाई बहुत नींद आ रही थी। सुबह 8 बजे से उठ के हम लोग आए थे, तो जैसे तैसे तो कॉफ़ी वॉफ़ी लेने गए थे हम लोग, और थोड़ा बहुत गार्लिक ब्रेड खाया था, उतने में ही वापस आए। 15 मिनट का ब्रेक था, 15-20 मिनट का कॉफ़ी वॉफ़ी पी के वापस आए, उतने में तो सब लोग बैग पैक करने लगे हैं। क्या हुआ? तो बोले मैम को कहीं जाना और हमारी छुट्टी। गुड, नींद आ रही थी क्योंकि बहुत, क्योंकि अब रूम पे जाके पहले सोऊंगा,
तभी, क्योंकि कल हमारा उसका एग्ज़ाम भी है, मतलब जो पढ़ाई है अभी पिछले एक दो हफ्ते में उसका कंट्रोल है। कंट्रोल मैंने बहुत बार वीडियो में बताया क्या होता है, तो वही चीज़ कल है। तो अभी रूम जाके पहले सोऊंगा, फिर उसको पढ़ूंगा, तभी कल कुछ दे पाऊंगा जवाब, नहीं तो खत्म। और भाई यहाँ काफ़ी लोगों के जो कमेंट आ रहे थे इनविटेशन से रिलेटेड, मतलब मैं काफ़ी कमेंट सेक्शन पढ़ते रहता हूँ, तो ऑलमोस्ट ये चीज़ से तो रिलेटेड कमेंट भरा ही हुआ था कि भैया इनविटेशन का क्या सिस्टम है, कब तक आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो देखो मैंने कमेंट में भी बताया था, यूनिवर्सिटी ने ऑलमोस्ट सभी के इन्विटेशन निकाल दिए हैं। अब मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने जिनसे बात करी है जो ये सब काम करते हैं उनसे मैंने बात करी, तो उनने ये बोला कि यूनिवर्सिटी ने सारे एडमिशन इन्विटेशन निकाल दिए। और अगर अभी भी आपका कॉन्ट्रैक्टर इंडिया में आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि अभी आएगा आएगा, तो भाई आप उसका साथ छोड़ दो, कुछ और अपना करियर के अकॉर्डिंग कुछ सोचो, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी देखो, क्योंकि ये चीज़ वो फिर आपको क्या करेंगे, उनकी जो मनपसंद यूनिवर्सिटी होगा वो उसमें आपका एडमिशन करवा देंगे। उससे गलत क्या चीज़ होगी, आप जिसमें जाना चाहते थे आप उसमें जा नहीं पाओगे, और हो सकता है वो यूनिवर्सिटी में कुछ फॉल्टी या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होता है, हो सकता है अच्छी भी निकले नो डाउट, बट कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये चीज़ मेरे को क्लेरिफाई करना ज़रूरी था, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कमेंट आ रहे थे। और भाई ये हमारी नालचिक की सेंट्रल लाइब्रेरी है, मतलब बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यार अरुण अब गया इसके अंदर, कैसा है भाई अंदर से? मस्त एकदम। माहौल कैसा है? माहौल बहुत बढ़िया है, चार पांच ही लोग रहते, ज्यादा लोग नहीं रहता है। वो काफी बड़ी है ना ये? बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। एकदम दिख भी एकदम रॉयल टाइप की रही है ना, ऐसा लग रहा है कि शादी होगी अंदर। शादी नहीं होगी, पर हाँ ये हमारे स्टेट की नहीं, सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी है। ऐसी यहाँ पे छोटी मोटी लाइब्रेरी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के आसपास, जैसे जो लोग कोचिंग वोचिंग जाते थे ना नीट के प्रिपरेशन के लिए, तो जैसे कोटा में, जैसे मैं इंदौर में था, तो वहाँ पे भी कोचिंग के आसपास बहुत सारे वो थे छोटी छोटी लाइब्रेरी। पर यहाँ पे ऐसी लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की खुद की भी है, यहाँ पे भी आप आ सकते हो, अपने यूनिवर्सिटी का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो दिखा के आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो अगर आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के पास में है, कैंपस के अंदर है। और ये थोड़ा मेरे ख्याल से 10 मिनट की वॉक दूर है, यहाँ से 10 मिनट होगा यूनिवर्सिटी, तो इतने पे अगर आप आ सकते हो तो यहाँ पे भी आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट चल जाते देखो अब विंटर का सीजन आने वाला है, ये सब झूले वूले सब हट जाएंगे, मतलब जो ये सब है ना इस पे सब बर्फ जम जाएगी। क्योंकि भाई ठंडी आ चुकी, देख रहे हम लोग के जैकेट वेस्ट आ गए। अभी कितना डिग्री टेम्परेचर है? अभी चल रहा है, मैं सुबह 7 देखा था, 9 है। हाँ अभी देखो, अभी दोपहर को थोड़ा 9 है, पर शाम तक भाई 0 तक तो चल ही जाता है, रात में शायद 0 रहता होगा। तो ठंडी आ गई है भाई, तो जो लोग अभी लोग आ रहे होंगे, रशिया ट्रैवल कर रहे होंगे, जो लोग फर्स्ट ईयर में होंगे, तो भाई जैकेट जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ ठंड आ गई है तो मतलब मॉस्को तरफ भी ठंड आ ही चुकी होगी। अरे बच्चा, और देखो अभी इसी साल यूनिवर्सिटी को 91 ईयर भी हो गए, देखा 91 गोद लिखा है और कब्गू। A few inches later. भाई अपने बाल काफी बढ़ गए थे और क्लास से भी आ गए थे, तो अपन ने सोचा अब कटा ले। आखिरी बार मैंने इंडिया में ही कटाए थे ना, सस्ते में बाल इंडिया में ही कटवाते हैं भाई जो। अब इंडिया में भी खैर महंगा हो गया, पहले जब मैं था जब 40-50 में कट जाता था, अब इंडिया में भी 100 रुपये लगता है, तो यहाँ पे तो नॉर्मली है 500 रुपये विद बियर्ड के साथ, 500 रुपये तो आपसे लेते ही है। तो आ गए यहाँ पे, एक है मतलब इजिप्शियन है, तो वो अच्छे बाल काट देता है, उसको अपन समझा दो तो समझ भी जाता है। और क्या लड़कों का एक प्रेफरेंस रहता है ना भाई, लड़के लोग कनेक्ट करते होंगे, लड़के लोग कनेक्ट करते होंगे कि भाई वो सब कुछ बदल लेंगे पर अपना बार बार नहीं बदलते हैं, जो जिससे वो सेट है, तो अपना भी वही है। अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है भाई एकदम से? यहाँ ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, इसीलिए थोड़ा वो है, बाकी वो रही इसकी शॉप। गाइस थोड़ा सा पोपट हो गया है, उसके बाद आज की बुकिंग भी बहुत सारी, तो बोला आज रात को 11 बजे आ जाओ तो कर दूंगा, नहीं भाई हमको नहीं कराने का है, बाद में ही आएंगे।
तो भाई आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ज्यादा अच्छा से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, रखा जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।